Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain Chapter Eight, Skeleton System of Class Fifth. In last video I had explained to you about functions of the skeleton. Let's start with parts of the skeleton. Our skeleton consists of the skull, the rib cage, and the backbone, two pairs of limbs, and ग्रेडल बोन्स अगर हम लोग बात करते हैं अपने स्केलेटन की तो हमारे स्केलेटन में स्केलेटन किस किस से बना है स्कल होता है रिपकेच होता है बैक बोन होता है और उसमें टू पेयर्स लिम्स के भी होते हैं और ग्रेडल बोन्स भी होते हैं द स्कल इट इज़ अ मेड अप ऑफर ट्वेंटी टू बोन्स एट फ्लैट बोन्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द हेड फोर्टीन बोन्स फ्राम द फ्रेम ऑफ द फेस अब स्कल की अगर हम बात करते हैं तो जो स्कल है वह मेनली ट्वेंटी टू बोन्स से बना होता है स्कल्स में मेनली ट्वेंटी टू बोन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं अब वो जो ट्वेंटी टू बोन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं उसमें से एट जो बोन्स की शेप होती है वो फ्लैट शेप में होते हैं आपस में इंटरलॉकड होते हैं इंटरलॉक का मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और जो फोर्टीन बोन्स होते हैं वो मेनली एग्जैक्ट हमारे ऐसे फेस की शेप को देते हैं द लोअर जॉ इज़ ए फिक्स टू द अपर जॉब ये जो हमारा लोअर जॉब है ये फिक्स होता है अपर जॉब के साथ वी कैन मूव ऑनली द लोअर जॉ ऑफ द स्कल द स्कल एंड क्लोजज एंड प्रोटेक्ट द डेलीकेट ब्रेन और जब अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा अपर जॉ होता है उसको एज सच इतना मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती हमें हमेशा लोअर जॉ जो होता है हम उसी में मूवमेंट करते हैं तो जो हमारा स्कल होता है ये मेनली हमारा डेलीकेट पार्ट डेलीकेट का मतलब सबसे नाजुक सबसे सेंसिटिव पार्ट जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है द स्कल हेज ए होल्स फॉर द आइज एंड द नोज और स्कल में मेनली क्या होते हैं आइज के लिए और नोज के लिए उसमें कुछ होल्स भी होते हैं द नोज डजेंट हैव अ बोन हमारे नोज में कोई बोन्स नहीं होते इट इज़ मेड ऑफ अ टफ टिश्यू अब अवर बॉडी बेटा प्लेसन अवर बॉडी इज अ मेड अप ऑफ अ सेल्स And cells changes to tissues and tissue changes to organ. हमारी जो body होती है वो cells की बनी होती है Cells जो है वो tissue में change होता है Tissue जो है वो organ में change होता है And then organ जो है एक exact एक organ system बना देता है तो हम जो human beings होते हैं हम human beings में क्या होता है जो हमारी body के various parts होते हैं उस बॉडी के वेरियस पार्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनके वेरियस tissue होते हैं तो जो हमारा टफ टिश्यू जो प्रेजेंट होता है ए स्कल में ए उसको हम लोग बोलते हैं का, काटिलेज द स्पाइन और द बैकबोन द स्कल इज ए अटैच टू द स्पाइन अब जो स्कल है वो मेनली किसके साथ अटैच्ड होती है स्पाइन के साथ और बैक बोन के साथ इसमें थर्टी थ्री स्मॉल बोन्स होते हैं जिनको हम लोग वर्टी कहते हैं अब ये जो थर्टी थ्री बोन्स होते हैं वर्टी के है, ये मेनली कहाँ से हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं जो स्पाइनल कोड होता है वो तो इनको ये जो हमारे वर्टिबल कॉलम्स होते हैं इससे पास होकर जाता है द स्पाइनल कोड इज़ अ बंडल ऑफ अ नर्व्स स्पाइनल कोड मेनली होता क्या है हमारा नर्व्स का बंडल सी आई एम शोइंग यू माय हैंड सी द ग्रीन वेंस ये जो आ रही हैं ये जो ग्रीन वेंस होती हैं इनको हम लोग नर्व्स कहते हैं तो ये जो है हमारा स्पाइनल कोड ये मेनली किससे बना होता है किस को रिप्रेजेंट करता है नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है द वर्टिब्रे प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कोड अब वर्टिब्रे का मेन काम क्या होता है ये हमारे कौन से पार्ट को प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कोड को द केज द केज इज अ केज लाइक अ स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द ट्वेल्व पेयर्स ऑफ द थिन कर्व बोन्स केज जो होता है इसका एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस ठीक है इस तरह से होता है केज का स्ट्रक्चर और ये मेनली इसमें ट्वेल्व पेयर्स ऑफ थिन कर्व बोन्स होते हैं और ये जो रिप के शेप होते हैं ये मेनली किस तरह से होते हैं कर्व शेप में होता है इसलिए हम इसको थिन कर्व बोन्स भी कहते हैं ये जो कर्व बोन्स होते हैं इनको हम लोग रिप्स का नाम दे देते हैं ये मेनली बैक बोन के साथ और हमारे ब्रेस्ट बोन जो फ्रंट में होती है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं द लास्ट टू पेयर्स ऑफ द रिब्स आर नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन पर ये जो लास्ट टू पेयर्स होते हैं हमारे इसके रिप केज के ये हमारे ब्रेस्ट के साथ अटैच नहीं होते हैं तो इनको हम लोग फ्लोटिंग रिप्स भी कहते हैं अब जो रिप केज होता है ये मेनली प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को और लंग्स को लिम्स आर्म्स एंड लेग्स वी हैव टू काइंड ऑफ लिम्स फोर लिम्स इम्स एंड हिंड लिम्स हमारे दो तरह के लिम्स होते हैं फोर लिम्स होता है फोर लिम्स का मतलब जिसमें दो आर्म्स के कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और लिम्स का मतलब जिनमें दो लेग्स के बारे में हम पढ़ेंगे फोर लिम्स फोर लिम्स आर अवर आर्म्स फोर लिम्स हमारे क्या होते हैं आर्म्स होते हैं ईच आर्म कंसिस्ट ऑफ ए टू पार्ट्स हमारे आर्म्स की भी अगर हम बात करें तो वो मेनली ये दो पार्ट से बना होता है एक होता है अपर आर्म एंड एक होता है लोअर आर्म दे आर जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो वो जैसा ये है ये हमारा हैंड है ठीक है ये जो ऊपर वाला शोल्डर का पार्ट आएगा डैट इज़ योर अपर पार्ट और ये वाला जो नीचे वाला ये आ गया लोअर पार्ट अब अपर और लोअर मेनली किससे कनेक्टेड है ये जो हमारी बीच की ये एल्बो होती है ठीक है उससे ये दोनों पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं द अपर आर्म हैज अ वन लॉन्ग बोन अब जो अपर आर्म होती है उसमें एक काफ़ी बड़ी बोन होती है जिसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं और जो लोअर आर्म होती है उसमें दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं द अपर आर्म इज़ ए ज्वाइन टू द स्पाइन बाय द शोल्डर ग्रेडल अब ये जो अपर आर्म है ये मेनली किसके साथ कनेक्टेड होती है स्पाइन के साथ होती है और वो जब स्पाइन के साथ कनेक्टेड होती है तो उसको हम लोग शोल्डर ग्रेडल भी कहते हैं इट इज़ अ मेड ऑफ अ टू बोन्स मेनली इसमें दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम इसको शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन भी कहते हैं वो जो दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनका नाम बता दिया शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन द हैंड एंड द रिस्ट हैज अ मेनी स्मॉल बोन्स रिस्ट का मतलब होता है कलाई ये जो है हमारी तो जो हमारी कलाई होती है और जो हमारा हैंड होता है ये मेनली बहुत सारी छोटे छोटे बोन से बना होता है हिंडलिम्स हिंडलिम्ब्स आर अवर लेग्स हिंडलिम्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लेग्स के बारे में पढ़ते हैं ये हमारे लेग्स पार्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं ईच लेग कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट्स सेम जैसे हैंड्स जो है वो टू पार्ट से बना है ये भी मेनली दो पार्ट से ही बना होता है एक होता है अपर लेग एंड एक होता है लोअर लेग जो अब ये जो ज्वाइंटेड होते हैं मेनली कौन सा सेंट्रल पार्ट होता है जो अपर लेग और लोअर लेग को ज्वाइन करता है डैट इज़ नी तो जो अपर लेग होती है इसको हम लोग थाई बोलते हैं और ये इसमें लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी का और वो जो लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी का उसको हम लोग फेमर कहते हैं और जो लोअर लेग होती है उसमें मेनली दो बोन्स होते हैं जो लोअर पार्ट होता है हमारा स्पाइन का वो ज्वाइंट होता है ऐसी फेमर के साथ बाय द हिप ग्रेडल और हिप ग्रिडल के पॉइंट ऑफ व्यू ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और हमारे जो फीट होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं जैसे हैंड्स की बात की हैंड्स भी कहें हैंड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स सेम आवर फीट आर मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट इन अवर डेली लाइफ वी बेंड टर्न एंड ट्विस्ट अगर हम लोग बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो हम अपने हाथों को वो अपने हैंड्स को ही हम उसको वो बेंड भी करते हैं टर्न भी करते हैं और इवन ट्विस्ट भी करते हैं सेम विद सेम वी डू विद द लेग्स जितने भी बॉडी के वेरियस पार्ट्स होते हैं हम उनकी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं सो व्हाट हेल्प अस टू कैरी आउट दिस एक्शंस आवर जॉइंट्स अब ये चीज़ें हम कैसे कर पाते हैं ये चीज़ें हम तभी कर पाते हैं जब हमारे जो जॉइंट्स होते हैं लाइक like जो आपस में इन वेरियस बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं अगर वो प्रॉपरली काम करते हैं तो जो पॉइंट्स हैं, वही ये सारे चेंजेस लाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जॉइंट इज अ प्लेस वेयर अ टू बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर अब ज्वाइंट को डिफाइन कैसे करते हैं ज्वाइंट वो वाली प्रोसेस होती है इवन एक प्लेस होती है जिसमें हम लोग मेनली जो हमारी बॉडीज है उसके जो दो पार्ट्स हैं या आप कह सकते हो सॉरी बोन्स के नॉट बॉडी बॉडी इज अ मेड अप ऑफ बोंस तो जो हमारे दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करता है उसको हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं सो ब्स कैन बेंड आट ज्वाइंट्स विच कॉजेज अ मूवमेंट इन अवर बॉडी अब बोन्स क्या करते हैं वही हेल्प करते हैं हमारे जॉइंट्स को बेंड वगैरह करने में अब बोंस जो ज्वाइंट करते हैं मेनली ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड के जो प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसको काम करने के लिए जो टीशूज़ हम लोग रिलेट करते हैं इलास्टिक बैंड ऑफ टीशूज़ उनको हम लिगामेंट्स कहते हैं तो लिगामेंट्स जो हैं ये मेनली हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बोन्स को वेयर एंड टेयर होने से लाइक डैमेज होने से ऑल जॉइंट्स कंटेन अ फ्लूड अब जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसमें फ्लूड प्रेजेंट होता है एक लिक्विड केमिकल प्रेजेंट होता है जो एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है जैसे एक गाड़ी को अगर हमें चलाना होता है तो एक कार को रन करने के लिए हमें पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है सेम हमारा जॉइंट जो होता है उसमें फ्लूड प्रेजेंट होता है तो वो जो फ्लूड है वो एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है जो बोन्स को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करता है मेनली हमारे जो जॉइंट्स है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है एक होते हैं मूवेबल जॉइंट्स और एक होते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स अब मूवेबल जॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये वो वाले जॉइंट्स होते हैं जिसमें जो बोन्स हैं ईजिली मूव करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं मूवेबल जॉइंट्स जैसे एग्जाम्पल हैंड्स हो गए आर्म्स होगी लेग्स होगी और इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं वो वाले बोन्स जो हमारे मूव नहीं करते फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कल हो गया हमारा ठीक है इवन द जॉइंट्स बिटवीन द रिपकेज और द ब्रेस्ट बोन हो गया तो ये सब क्या है हमारे इमूवेबल जॉइंट्स से क्योंकि इनके इंटरनल प्रोसेस है सो देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन अवर बॉडी अगर हम बात करते हैं मूवेबल जॉइंट्स की तो हमारी बॉडी में चार तरह के हैं हिंज जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाइवेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दिस इज योर पाइवेट जॉइंट दिस इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड दिस वन इज योर हिंज जॉइंट एंड दिस इज योर अ ग्लाइडिंग जॉइंट हिंच ज्वाइंट सो वट आर द फ्क्शंस ऑफ हिंच ज्वाइंट्स हिंच ज्वाइंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन एंड द अब्जॉर्व द मोमेंट ऑफ द बोन्स अब हिंच ज्वाइंट में मेनली क्या होता है हम ये सारी एक्टिविटीज़ के हेल्प से बताएंगे कि जो हिंच ज्वाइंट है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं वी कैन ईजली होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड फॉर राइटिंग अगर मुझे लिखना है जैसे मैं अभी भी पेन पकड़ा हुआ है तो हम लोग विद दी हेल्प ऑफ हिंच ज्वाइंट ईजिली मैं पेन को होल्ड कर सकती हूँ पेंसिल को भी होल्ड कर सकती हूँ और उससे लिख सकती हूँ हम ईजिली अपने आर्म्स को बेंड कर सकते हैं अपने हेड को टच कर सकते हैं हम ईजिली अपनी लेग्स को बेंड कर सकते हैं हम अपने माउथ को ओपन कर सकते हैं तो बेंडिंग ऑफ फिंगर्स आर्म्स लेग्स एंड लोअर जॉ ओनली इज़ वन प्लेन फॉर्वर्ड एंड बैकवर्ड इट इज़ लाइक द ज्वाइंट ऑफ द डोर तो कहते हैं हम लोग हिंच ज्वाइंट की हेल्प से मेनली क्या कर सकते हैं इन सब वेरियस पार्ट्स में हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं हम किसी चीज़ को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं या पीछे लेकर आना चाहते हैं ठीक है फॉवर्ड जाना या बैकवर्ड जाना है तो हम ईजिली उस चीज़ को कर सकते हैं सो दिस टाइप ऑफ द ज्वाइंट इज कॉल्ड हिंच इंच जॉइंट और इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग हिंच ज्वाइंट कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इवन इसके नाम से ही पता चल रहा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट लाइक इसकी जो शेप होगी वो बॉल शेप में होगी इस जॉइंट की सो टेक अ बॉल आप एक बॉल लो स्विंग योर आर्म एंड थ्रो द बॉल अब बॉल को पकड़ कर आप क्या करो जो अपनी आम है उसको स्विंग करो हिलाओ बॉल को फेंकने के लिए इन हाउ मैनी डायरेक्शन डिड यू मूव ये आर्म अच्छा जब हमें बॉल को थ्रो करना होता है हम अपनी नो डाउट आर्म को क्या करते हैं स्विंग तो करते हैं तो कहते अब जो बॉल को जब हम थ्रो करते हैं तो हम अपनी आर्म को स्विंग कर कर बहुत सारी डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं द शोल्डर ज्वाइंट अलोज अस टू मूव अवर आर्म इन ऑल डायरेक्शन अब मैं अपने उस बॉल को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे भेज पा रही हूँ क्योंकि जो हमारी आम का शोल्डर जॉइंट है वो हेल्प कर रहा है वो अलाउ कर रहा है कि जो आम है वो वेरियस डायरेक्शन में मूव कर सके एक दिस इज़ बिकॉज ऑफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ़ द शोल्डर ज्वाइंट ये शोल्डर ज्वाइंट की वजह से ही होता है द राउंडेड एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन इन द अपर आर्म फिट्स इन टू द कप शेप सॉकेट इन द शोल्डर अब ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है ये मेनली क्या करता है हमारा जो ह्यूमरस बोन होता है जो हमारी अपर आर्म में प्रजेंट होता है उसमें एज ए कप शेप की तरह प्रजेंट होता है सच ज्वाइंट्स इन विच अ बॉल शेप एंड ऑफ द बोन फिट्स इन टू दॉकेट ऑफ द अनदर इज कॉल्ड अ सॉकेट जॉइंट तो ये अब जो बॉल शेप हमारा पार्ट जो होता है बोन का वो जब फिट हो जाता है मतलब वी ए कंपाइल इवन वी अरेंज इट विद द अदर बोन्स जो एक सॉकेट की शेप बना देता है तो इसलिए हम इसको सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं द शोल्डर एंड द हिप जॉइंट्स आर द ओनली बॉल एंड द सॉकेट ज्वाइंट्स इन अवर द बॉडी अगर अब हम अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स के साथ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को रिलेट करें तो मेनली कौन से पार्ट्स होगा लाइक like शोल्डर का और हिप जॉइंट्स का जो पूरा फंक्शनिंग होता है वो मेनली बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की हेल्प से होता है प्राइवेट ज्वाइंट दिस ज्वाइंट इज अ वेयर द स्कल मीट्स द टॉप वर्टिबेरा ये हमारा कौन सा होता है प्राइवेट जॉइंट ये वो वाला जॉइंट होता है जो हमारे स्कल से जो स्कल का जो टॉप वर्टिबेरा पार्ट होता है उसके साथ अगर हमने इंटरलिंक करना है तो देन वी गो फॉर अ पाइवेट जॉइंट सो इट अलाउज़ यू टू बेंड योर हेड अप एंड डाउन द साइड वे यही जॉइंट मेनली क्या करता है हमारे हेड की मूवमेंट करने में हेल्प करता है हमें अपने हेड को नीचे करना है या ऊपर करना है बेंड करना है तो वो हम लोग प्राइवेट जॉइंट की हेल्प से कर सकते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट मूव योर रिस्ट नाउ बेंड एंड पिक अब पेपर फ्रॉम द फ्लोर अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है हम अपनी रिस्ट को वही हैंड की जो हमारी कलाई होती है हमने उसको मूव किया उसको मैंने बेंड किया और एक पेपर को उठाया फ्लोर से सो इन दिस एक्शन बोन्स ग्लाइड पास्ट वन एंड अदर द ज्वाइंट्स वच एक्शन अकर्स आर कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स अनली लाइक इसमें अगर मुझे पेपर को नीचे भी से उठाना है तो मेरी जो रेस्ट है और इवन मेरी जो एल्बो है उसने पूरी ये जो है हेल्प की उसको उठाने में तो वो आपस में इंटरकनेक्ट हो रहा है तो वो जब इंटरकनेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से मैं वो पेपर को उठाकर जो भी काम करना चाहती हूँ वो कर पा रही हूँ तो वो जो एक्शन सक्र हो रहे हैं डैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ विच ज्वाइंट कौन सा जॉइंट उस चीज़ में हेल्प कर रहा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट उसमें हेल्प कर रहा है तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है मेनली कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है जैसे रिस्ट में एंकल्स में और बिटवीन द वर्टिब्रा में प्रेजेंट होता है और ये मेनली क्या करता है? है हमें ट्विस्ट करने में टर्न करने में बेंड करने में बेंड करने के बाद अपनी शेप में वापस आने में तो ये वाले ज्वाइंट्स जो होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल्स एंड मूवमेंट मसल्स जो होते हैं ये हमारे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं इलास्टिक बैंड की तरह होते हैं जैसे इलास्टिक बैंड जो टिश्यूज थे क्योंकि मसल्स क्या होते हैं कि वेन एवर वी डू एनी फिजिकल एक्टिविटी ई आवर मसल्स विल रिलैक्स और एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट हम जब भी कोई फ़िजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें हमारे जो मसल्स होते हैं या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना रिलैक्स का मतलब होता है कि जो उनकी शेप अपनी है सेम वो वापस उसी शेप में आ रहे हैं सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी हमारे बॉडी के ये जो वेरियस पार्ट्स हैं वो कैसे एक्शन कर रहे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं तो वो जो सारे काम करते हैं मेनली किसकी हेल्प से हो पाता है मसल से सो वेन वी लीप बेंड और मूव इट इज द रिजल्ट ऑफ द मसल एक्शन कुछ भी काम करना हो हमें हम जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हमारे मसल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वेदर वी आर लीप इफ हम लीप कर रहे हैं बेंड कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं सो so वे ना मसल कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मसल्स क्या करते हैं जब हम ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लाइक like जैसे आप रनिंग कर रहे हो आप स्कीपिंग कर रहे हो तो वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के टाइम हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं ताकि जो उनके बोन हैं वो मूव कर सके और फिर जब हम वो काम पूरा कर कर फ्री हो जाते हैं तो बेटा वो जो मसल्स होते हैं वो वापस से अपनी शेप पर आ जाते हैं तो जब वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पर आ रहे हैं तो उसको कहते हैं रिलैक्स करना द अबव मूव बैक टू इट्स फंक्शन मतलब तो वही रिलैक्स होकर वो, हो वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ गए तो मसल्स कैन भी डिवाइडेड इनटू अ टून मे इन ग्रुप हम मसल्स को भी मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एक हमारे जो मसल्स होते हैं उसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं एंड सेकेंड वन इज़ इन वॉलेंट्री मसल्स अब वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं वॉलन्ट्री मसल्स वो वाले होते हैं जिन पे हमारा अब पूरा कंट्रोल होता है जैसे सपोज स्कैलेटन मसल्स हो गए जो हमारे जो है स्कैलेटन के साथ इंटरलिंक होते हैं इनको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं स्कैलेटन मसल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को मूव करने में लाइक like जैसे हमारे आर्म्स हैं लेग्स है शोल्डर्स है नेक है तो मुझे क्या करना है इसको मूव करना है तो वी कैन ईजिली मूव जब मेरा मन किया उसको हिलाने का हमने उसको हिला लिया तो जिसपे हमारा एग्जैक्टली exactly पूरा कंट्रोल हो रहा है जो हम लोगों का जब मन कर रहा है उन मसल्स को हम लोग मूव कर लेते हैं उन मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं अब ये जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ये मेनली कौन से टिश्यू से बने होते हैं स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इसमें जिसको हम लोग टेंडेंस कहते हैं तो लगभग सिक्स फिफ्टी वॉलेंट्री मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन वॉलेंट्री मसल्स इन वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं जिनका हम पर पूरा कंट्रोल नहीं होता है जैसे सपोज ब्रीदिंग है ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट हो गया ठीक है अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के कंसेप्ट को पढ़ते कि कैसे खाना डाइजेशन हो रहा है तो वो जो एक्शंस हैं नो डाउट हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है उसमें मैं नहीं कह रही कि अभी मैंने खाना खाया है तो खाना खाने के बाद वो जो मैंने खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होगा डाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी ऑटोमेटिकली चलती जाएगी वो हमारी इंटरनल प्रोसेस है तो वो वाले जो एक्शंस होते हैं उनको हम लोग इन्वॉलेंट्री मसल्स या इनवॉलेंट्री एक्शंस भी बोलते हैं अब ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम इसको कार्डिक मसल्स भी कहते हैं जो हमारे ब्लड को पंप करते हैं बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ऑटोमेटिकली ताकि जो है वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहे तो इस चीज़ को करने के लिए जो हम मसल्स यूज करते हैं इन में डैट इज कार्डिक मसल्स तो द लास्ट टॉपिक टेकिंग केयर ऑफ द बोन्स एंड मसल्स अब हमें क्या है अगर हमें सर्वाइव करना है तो जैसे सर्वाइव करने के लिए हम लोग फूड इनटेक करते हैं सेम वी शुड टेक केयर ऑफ़ अवर बोन्स एंड मसल्स अब उसकी कैसे हम लोगों को केयर करनी चाहिए अब जो बोन्स होते हैं वो डिफ़रेंट शेप्स के होते हैं और जॉइंट्स जो होते हैं वही हमारी बॉडी को फ्लैक्सीबल बनाते हैं कि लाइक अगर मुझे कोई भी काम करना है तो विद दी हेल्प ऑफ जॉइंट्स मैं उस चीज़ को कर सकती हूँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सीशन की भी वजह से जो मसल्स हैं वो मेनली मूवमेंट देते हैं हमारी बॉडी में बोन्स जॉइंट्स मसल्स ये सारे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं तो हमें इनकी अच्छे से ध्यान देना चाहिए वी शुड टेक केयर ऑफ देम हमें उनका ध्यान रखना चाहिए वी कैन डू सो मैनी ईटिंग बैलेंस डाइट अब इस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए प्रॉपर पॉस्चर देना चाहिए प्रॉपर मतलब मेंटेनिंग पॉस्चर होना चाहिए लाइक वी डू एक्सरसाइज वी टेक प्रॉपर रेस्ट तो जब हम ये सब चीज़ें स्मूथली करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इवन हमारे बोन्स और मसल्स होते हैं स्ट्रोंग होते हैं आई होप सो टॉपिक इज क्लियर टू ऑल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज सेंड इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप थैंक यू हैव अ नाइस डे